नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बायोलॉजी उसका दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में जनन उसका ये पार्ट वन है। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री पहले ही अपलोड हो रखा है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जो डिस्प्ले पे शो रहा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में, वहाँ से देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर जो होता है वो कितने भागों में बटा होता है, एक, दो, तीन या फिर चार? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह बोर्ड एग्जाम में आता भी है। तो एक का सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दो होगा। पुंकेसर दो भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसका क्या नाम है ये बताना है। ए, बी, सी, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। वैसे दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात टैपिटम होगा। दो का आंसर सी, टैपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, पुष्प जिसको फूल कहते हैं के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? यानी कि फूल के जो नर भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? नर जनन अंग, जयांग, पुमंग, कोरोला या फिर अन्य? तो तीन का सही जवाब क्या होगा? तीन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुमंग होगा। पुष्प के नर जनन अंग पुमंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चार, चार में है कि पुष्प के मादा जनन अंग, पिछले क्वेश्चन में था नर जनन अंग लेकिन इसमें है मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, पुंकेसर अथवा परागकोष? तो चार का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात जयांग होता है। पुष्प का नर जननांग पुमंग और मादा जयांग। क्वेश्चन नंबर पाँच, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद या फिर दोनों का या फिर कोई नहीं का? परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पाँच का सही जवाब क्या होगा? तो पाँच का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि परागकण का बाह्य चोल किससे बना होता है? यानी कि बाहर के जो आवरण होती है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का, पैक्टीन का, स्पोरोपोलेनिन का या फिर टैपिटम का? छः का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्पोरोपोलेनिन का बना होता है परागकण की बाह्य चोल। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा होता है? वतिकाग्र, वतिका या फिर अंडाशय या फिर सभी? स्त्री केसर का भाग कौन सा होता है? तो सात का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी होगा। स्त्री केसर के ये तीनों भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, आठ में कि स्वपरागण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? मतलब स्वपरागण की प्रोसेस को कौन रोकता है? एरंड, मक्का, दोनों या फिर कोई नहीं? तो आठ का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात एरंड होगा। एरंड की जो पौधा होता है वो स्वपरागण को रोकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीन पे दे रखा है। नाइन का क्या होगा सही जवाब? तो नाइन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात युग्मनत जिसको जाइगोट कहते हैं उसकी ही रचना होती है, यानी कि वही बनता है जब युग्मक संलयन पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक भ्रूणपुटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रि संलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? दो संलयन का, दो प्रकार का जब संलयन होता है तो क्या कहते हैं उसको? तो इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। तो 10 का आंसर बी, दोहरा निषेचन जब दो प्रकार के संलयन होंगे तो। यदि आप अभी तक फर्स्ट चैप्टर का जो तीन वीडियो अपलोड है वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में कहीं पर आपको मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आभासी या फिर मिथ्या फल है? स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब या सभी? आपको बताना है आभासी या मिथ्या फल कौन है। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात सभी, यानी कि स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब ये तीनों मिथ्या फल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना फर्टिलाइजेशन के ही जब बीज उत्पन्न होती है तो इसको असंग जनन, यानी कि 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात असंग जनन, इसका इंग्लिश नेम एपोमिक्सिस होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, कीटों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जब परागण की प्रोसेस कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात एंटोमोफिली हो जाता है, उसे एंटोमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? एक पुष्पी पादप मतलब फूल वाले पौधों में जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकोष या फिर परागकण? जो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात पुंकेसर होगा, नर जनन अंग इकाई को पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? पिछले में था नर जनन अंग इकाई, इसमें है मादा जनन इकाई, तो नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही अर्थात स्त्री केसर होगा, मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहा जाता है? बाह्य चोल, अंतः चोल, जनन छिद्र या जनन कोशिका? तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात जनन छिद्र कहा जाता है, परागकण के बाह्य चोल के सुस्पष्ट द्वारक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब एक पराग कोष अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसको क्या कहा जाता है? तो 17 का क्या होगा आंसर? 17 का आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बीजाणु जनन ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पराग कोष एक चार कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होता है, मतलब जो चार कोशिकीय संरचना होती है उसमें चारों कोना पर क्या बैठा हुआ रहता है, क्या उपस्थित रहता है? तो 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात लघु बीजाणु धानी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, मतलब कौन कौन घास है जो जल में उगता है? वेलिसनेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा या फिर सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये तीनों के तीनों घास जल में ही उगते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नर पुष्प का है? ये क्वेश्चन रिपीट शायद हो रहा है, इसका आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल का सब्सक्राइब देंगे कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पुमंग होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मादा पुष्प का है? मादा पुष्प का भाग कौन सा है? जयांग, पुमंग, पुंकेसर, स्त्री केसर? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात जयांग। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पराग थैले किस में पाए जाते हैं? पराग कोष में, पुष्पासन में, अंडाशय में या फिर दलपुंज में? तो 22 का क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात पराग कोष होगा, 22 का ए पराग कोष। हमारा क्वेश्चन है अब, एनाट्रॉप्स बीजांड होता है सीधा, उल्टा, गोल या फिर वक्र अर्थात टेढ़ा? तो जो एनाट्रॉप्स बीजांड होता है वो अपोजिट शेप का होता है अर्थात 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि उल्टा होगा, एनाट्रॉप्स बीजांड उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कुछ पुष्पों के परागकोष एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से वीडियो को रोक करके ऑप्शन पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्कोगैमी होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? पराग नलिका से, लघु बीजाणु से या फिर लघु बीजाणुधानी से या फिर गुरु बीजाणु से? भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात गुरु बीजाणु से होगा, भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है।
यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्प्ले पे अभी शो कर रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।